ये हमने दही जो बनाते हैं पिया आप लोगों ने, कैसा लगा? नमक नहीं डाला, दही दही और कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना, धनिया, खीरा और क्या कहते हैं लौकी, घिया, कुछ भी डाल सकते हैं, हमने तो पुदीना डाला, पुदीना डाला है, ठीक है। और बिना नमक के हर चीज़ में अपना नमक है, हम कहते हैं ना ये चीज़ फीकी है, आज स्वाद नहीं है, तो उसमें तब नमक नहीं होता, जब वो स्वाद होती है तो उसमें नमक चीनी का एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है। मतलब आम में भी नमक है और करेले में भी नमक है, खीरे में तो पता चलता ही है कि फीका है, अच्छा है ना, सब्जी में सब में नमक होता है। अब सब्जियां खाते कम है तो सारे ही सॉल्ट कम जाएंगे, हमने एक सोडियम क्लोराइड ही क्यों खाना, हमने पोटेशियम तो बहुत ज़रूरी होता है हार्ट के लिए, पोटेशियम होता है सब्जियों में, पान में जिंक होता है, हफ्ते में एटलीस्ट एक पान भी खाना चाहिए, लेके पत्ता लेके आओ और लगाओ, हमारे लगे हुए पीछे, कई बार मैं खिड़की में से दिखाती हूँ वो सारे पान लगे हुए हैं, खिड़की नीचे से बनाती हूँ वीडियो और खिड़की से बाहर का दिखाती हूँ, वो पत्ते में कुछ लगा लो, सौंफ इलायची लगा लो खाने के बाद जैसे खाते थे, मतलब वो भी कोई भी कच्चा पत्ता खा लो, कोई भी नीम का खाता है ऊँट, उसी से उसकी सारी एनर्जी मिल जाती है, गाय घास खाती है उसी से उसको सारी, जो इसमें फाइबर आपको धागे धागे दिखते हैं ये कैल्शियम है सारा, जैसे हमारा स्केलेटन है ना, हड्डियाँ हमारी वाइट वाइट, वो कैल्शियम है, एनिमल की हड्डियाँ होती हैं, हम कैल्शियम है ना, होता है ना कुछ सूप होता है, बोन्स का सूप होता है कैल्शियम के लिए दिया जाता है, तो इसी तरह प्लांट का जो कैल्शियम है वो उसके फाइबर में है, मतलब मुझे भी थोड़े दिन पहले एक दो साल पहले पता चला है कि जो कैल्शियम है उसके फाइबर में होता है, जब हम जब तक वो सारा नहीं खाते तो हम कैल्शियम निकाल के जूस पीते हैं, अनार का जूस पीने का इतना शौक है, हो सकता है उसके बीज में कैल्शियम है ना, वाइट वाइट जितना भी होता है, जो संतरे में जितना वाइट वाइट है वो सब कैल्शियम है, सोच लो कैल्शियम वाइट कलर का होता है, मेथी में बहुत कैल्शियम होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ग्रीन में भी अंदर वाइट होगा ना, ग्रीन डोमिनेट कर रहा है, मेथी में बहुत कैल्शियम है, तो मेथी हमेशा आटे में मार के खाओ। पालक का रेपुटेशन और किसी किसी चीज़ का रेपुटेशन इतना बन गया है कि वो से आयरन कब भी बना था, आयरन की तो गोली 10 पैसे की मिलती है, फ्री मिलती है हॉस्पिटल में, हम लोग लिख ही देते हैं 1-2 रुपये की होती है, तो वो आयरन तो वो बेस्ट है, ये हम अगर लिख रहे हैं, अगर ये 33 मिलीग्राम जा रही है तो हम जो कढ़ाई वाला तो 0.3 मिलीग्राम जाएगा, वो 100 साल पुरानी बातें चली आ रही हैं, उन्हीं को तोड़ने के लिए ना एक एक को समझाती थी, फिर मैंने ग्रुप में समझाना शुरू किया कि हर संडे आओ, ऐसे एक एक को समझा रही हूँ तो बाहर खड़े हो रहे, तो ये क्लास डेवलप हो गई और फिर मुझे उसके रिजल्ट्स लगे अच्छे, फिर ऑनलाइन शुरू हो गई, तो बाकियों ने जो फीडबैक आता है, फीडबैक दिया करो, फीडबैक नहीं आता क्योंकि उसी से आगे आगे मोटिवेट होते हैं, हमारे इंडिया में हम नया काम नहीं करते, डरते बहुत हैं, कोई नहीं कर रहा, अगर भीड़ साफ कर रहे हैं तो अब देखा देखी सब कर रहे हैं, लेकिन शुरू में इतनी मेहनत करनी पड़ी समझाने में, समझ के सुन के हाँ हाँ करके चले जाना, घर जाके करना नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर बहस की तो डॉक्टर गुस्सा करेगी, हाँ जी बोल दो देखा जाएगा जो होगा, बच्चा सेफ रहना चाहिए, एक्सरसाइज करने में डरते हैं, ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं समझ आ रही कि भी जो काम करते हैं उनकी भी तो डिलीवरी होती है, फिर जब रेस्ट कर रहे हैं तो बार बार बैठ रहे हैं बार बार उठ रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि नहीं भी बताया रेस्ट तो भी हाथ पे जोर दे के उठो, आगे ब्लैडर है, उधर लीवर है, इधर स्टमक है, यूट्रस तो सेंटर में बड़े सिक्योर है लेकिन उसके चारों तरफ ऑर्गन्स को तो जगह बना देनी पड़ी ना उसको, वो दब रहे हैं और ज़्यादातर दर्द उसमें होता है, या हम बाहर का खाते हैं तब होता है, बाहर का खा के आते हैं इंटेस्टाइन में रुक रुक के दर्द होता है, कौन से दर्द में आपने जाना है फौरन, अगर रुक रुक के होता है इंटरमिटेंट पेन होता है, एक पेन की अगर ग्राफ समझते हो, ग्राफ बता रहे हैं मैम, फिर कम हो गया, फिर आपका बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर आपका बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो इसमें 3 पेन के बाद जहाँ भी आस पास है, ये नहीं कि हम वहाँ थे और आप नहीं थे तो आना ही, वहीं दिखाना है, हर डॉक्टर को ट्रीटमेंट आता है, रुक रुक के अगर पेन होगा, अगर आपका पेन हुआ और फिर वो चलता ही रहा, फिर ठीक हो गया तो ठीक ही हो गया, इसमें आपने वेट कर सकते हैं, ये यूट्रस का पेन नहीं है, यूट्रस का हमेशा इंटरवल इंटरमिटेंट पेन होता है, इंटरमिटेंट का मतलब जो रुक रुक के होगा, एक स्पेशल एवरी 10 मिनट होगा मान लो,
है ना, एवरी 10 मिनट होगा, फिर एवरी 7 मिनट होगा, तो हमें 7 पे नहीं पहुंचना, एवरी 10 पे ही दिखाने चले जाना, बेशक ना हो वापस आ जाएंगे। और जो मस्कुलर होगा वो तो हिलने से होगा, जो बाहर का खाया होगा वो भी रह रह के उठेगा, लेकिन वो उठ गया फिर ठीक हो गया, फिर एक घंटे बाद फिर उठ गया, आधे घंटे बाद उठ, कोई पैटर्न इतना फिक्स नहीं होगा। इसमें भी कई बार जाना पड़ सकता है, गलत फहमी होगी, लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा। तो अगर रुक रुक के हो रहा है और एक लगातार हो रहा है, वो यूरिन का हो सकता है, वो आपके गलत उठने से हो सकता है, ब्लैडर भरा होता है, यूरिन पास करके आराम मिल रहा है, जाके डॉक्टर को हिस्ट्री देना भी इम्पॉर्टेंट है कि जी यूरिन पास कर लेती हूँ फिर आराम मिल जाता है। इसका मतलब आपको जब उठते हो तो ब्लैडर पे जोर पड़ता है या यूरिन इन्फेक्शन है, आपस में परहेज भी रखना है, पानी भी ज़्यादा पीना है। किसी को बार बार यूरिन आता है वो और पानी पीना कम कर देता है। मेडिसिन सेफ वाला लाए, जो सेफ मेडिसिन है वो, जो अगर बुखार हो गया तो डोलो सेफ होती है, मैं जो ग्रीन पेन से लिख रही हूँ वो सब सेफ है। अगर फॉर फीवर पेन है ना, पेन में तो जाना है, फीवर में आप खाओ फिर भी जाना है, इन्फॉर्म करना है आपने। अगर लूज मोशन हो गए तो घी चीनी का, वो चीनी नमक का घोल पीते हैं, ORS पाउडर जो हम हर सब्जी में बना देते हैं, चीनी नमक, चीनी तो नहीं डालते यहाँ पे। तो जब धूप में से आते थे तो खा रहे थे तो अच्छा ही था कि नमक इतना पसीना बहा, नमक से निकलने का रास्ता पसीने के थ्रू है, किडनी से निकलता है तो साथ में कैल्शियम भी लेके निकलता है। तो पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है कि नमक खाने से हड्डियाँ गलती हैं, फिर नमक बनाया और बनाया, वो औषधि थी, जैसे आज की डेट में थायराइड की दवाई है, ऐसी किसी दवाई, किसी ज़माने में लूज मोशन की दवाई नहीं थी, तो ORS पाउडर बना, चीनी मिला, चीनी पिलाया, खुश ठीक हो गया बंदा, नमक का घोल पिलाया ठीक हो गया बंदा, अब उतना पसीने में कोई जा ही नहीं रहा है। और फिर तो आप पी लो, अगर पसीना निकला है तो कपड़े आपके भर गए तो पी लो। और ग्लूकोज पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ग्लूकोज तो प्ले ग्राउंड में ऐसे ही कि वहाँ कुछ है नहीं, ग्लूकोज पीने से अच्छा तो बंदा केला खा ले, उसमें आपको कैल्शियम विटामिन सब मिले, पुराना है फ्रूट, फ्रूट वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ग्लूकोज से मिलेगी वो तो मिल ही जाएंगी, जो आटे से गेहूँ से मिलेगी वो तो मिल ही जाएगा। खाली ग्लूकोज में आपने सारा कुछ निकाल दिया, कैल्शियम प्रोटीन सब निकाल के खाली ग्लूकोज निकाल दिया, घी में आपने बादाम में से बादाम रोगन जब लिया तो सारा कैल्शियम प्रोटीन छोड़ दिया, खाली घी निकाल दिया, दूध में से जब घी निकाला तो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन मिनरल, दूध में तो सब कुछ होता है, इवन विटामिन सी होता है, लेकिन हम बॉयल करते हैं पॉइस्चराइज करते हैं तो विटामिन सी जल जाता है, इसलिए हमें दिन भर में एक नींबू खाना है, अदरवाइज दूध में तो सब कुछ ही होता है, बच्चे के लिए भगवान ने बनाया है। तो पहले से वॉक करोगे तो नहीं चढ़ेगी ना, एक तो डर के मारे कि पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना, पेट भरता है तो पैरों भर चलो, कितने मन से चल के दिखाओ, पैरों भर बैठ के चलो, जिसको डर लग रहा है पैरों भर बैठ जाओ, हाँ अब चलो पैर खोलो पूरे बैठो पैरों भर। अरे मान लो तुम खेतों में काम करना होता, चौथे महीने तक तो पता भी नहीं होता, हाँ हाँ अब क्या हुआ, हाथ रख लो आगे, अगर रखना है तो आगे हाथ रख लो, हाँ साइड साइड चल लो, ये साइड वाला अच्छा है, साइड वाला आज इसने नहीं है बना दिया एक्सरसाइज, नहीं आपने इधर आना है ना तो फेस उधर कर लो, अब साइड चलोगे तो हमारा वैसे ही खुल गया पैर, बहुत सुंदर, आज एक नई एक दो नई एक्सरसाइज, ठीक है अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, उधर वापस जाओ, वापस जाओ, बेड का सहारा ले ले, जैसे बेड के चारों तरफ चलते रहो, चलना नहीं रोकना, जिससे जितना चला जाता है जैसे चला जाता है, एक वो कहावत है कि अगर क्रॉल कर सकते हो तो क्रॉल ही करो, चलो एक सेफ, हाँ पहले बैठना सीखो और सामने कोई पुश करेगा, और वॉमिटिंग अगर आपको आ रही है तो देखो हमने क्या खाया, डॉक्टर को जाके बताना है, एक कॉन्डम की गोली है जीभ के नीचे, गोली भी निकल जाती है, ये 10-10 गोलियां लेके, हाँ ये SOS खानी है जीभ के नीचे,
तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर आपको सब लिंगवल बोलते हैं ना, जीभ के नीचे रखते हैं तो वहीं से एब्जॉर्ब होगी। वॉमिट आ भी गई तो निकलेगी नहीं, अदरवाइज वॉमिट की गोली ही निकल जाती है। लोग खाते हैं निकल जाती है, फिर कहते हैं फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, एक विटामिन डी का इंजेक्शन या ऊपर लिख देती हूँ। ये सब सेफ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और जो लोग धूप में भी रहते हैं उनका भी कमी निकल रहा है। ये 6 लाख एक साल के लिए होता है, लेकिन 6 महीने चलता है, 6 लाख 6 महीने ही चलता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी से पहले कराना है, हस्बैंड ने वाइफ ने दोनों ने लगवाना है। हस्बैंड में विटामिन डी की कमी होती है, बिफोर प्लानिंग जब प्लान कर रहे हो तभी लगवा लेना, और फिर डिलीवरी के बाद लगवाना है। एटलीस्ट 9 महीने तो चाहिए धूप में निकलते तो भी, अगर बिल्कुल नहीं निकलते फिर तो ये 4 महीने 6 महीने मुश्किल से चलता है। निकलना है, धूप के और भी फायदे ना जो आज नहीं पता। धूप में निकलने से जो हम डे नाइट बनता है, कर्टन तो बिल्कुल हटा के रखना है, खिड़कियाँ ऐसे बनाई हैं हमने बाहर का देखने के लिए, उसको कर्टन से कभी ढकना नहीं है। इतनी क्या प्राइवेसी होती घर में, और दिन में तो दिखता भी नहीं है बाहर का, बाहर से अंदर का दिखता भी नहीं जब लाइट जलती है। लाल रात को चांद दिखता है कितना अच्छा लगता है, दिन में रोशनी होनी चाहिए। तो रोशनी जब जाती है, और शाम को अगर ट्यूबलाइट घर में ना हो, नींद की कभी प्रॉब्लम, अगर मोबाइल ना हो ट्यूबलाइट ना हो, शाम से अपने आप मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। साइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट होता है, जो कि आपको स्लीप इंड्यूस करता है। आजकल इसका कैप्सूल भी मिलता है, लेकिन हमने धीरे धीरे लाइट डिम करते जाना है। अगर घर में ट्यूबलाइट ना हो, गैस ना हो, घी चीनी नमक ना हो, ये सब कभी कभी लाएं या लॉकर में रख दें, तो 99% बीमारियां ना हो। एटलीस्ट 50 की एज तक तो कुछ नहीं होता सिवाय थायराइड के। एक थायराइड जेनेटिक इस तरह से होता है कि कब हमारे बाल सफ़ेद होने, और उसको जितनी जल्दी पकड़ें और ट्रीट करें तो कोई नुकसान नहीं होता। कोई आपको थायराइड की डोज बढ़ानी होती है प्रेगनेंसी में, ज़्यादातर जब हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो डोज भी प्रेगनेंसी, जैसे पहले 50 चल रहा है तो प्रेगनेंसी में 75 होगा। तो जब तक दिखाने जाओगे सही रिपोर्ट आए तब भी, क्योंकि हम जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है और पूरा सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, 2 कमरे ही बना रहे हैं वहाँ पे, तो हमारा सामान ज़्यादा लगेगा ना, तो थायराइड हमें ज़्यादा चाहिए, खाने को लगने के लिए चाहिए होता है, इंसुलिन खाने को लगने के लिए चाहिए। अगर आप वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, घी चीनी नहीं खाओगे, बहुत टेस्टी खाना नहीं खाओगे, तो शुगर के चांसेस कम ही है। किसी एक को होती है 100 में से, प्रेगनेंसी में ही होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इंसुलिन उसके अंदर बॉर्डर लाइन है, जो कि अदरवाइज आपको गुजारा चला रहा था, प्रेगनेंसी में कम पड़ रहा है। तो हर बॉडी में जैसे शक्ल अलग है, हार्मोन्स के लेवल भी सबके अलग हैं, और किसके कब चेंज होंगे, कब डिक्लाइन होंगे, ये भी सबका अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे शक्ल किसी दो जनों की सेम नहीं होती है, तो इसमें यही समझना है कि क्या चीज़ हम ठीक कर सकते हैं, क्या नॉर्मल है, किसको हमें नहीं ठीक करना, ये तो नॉर्मल है, स्पेसिफिक है, लेकिन ठीक है इसके लिए यही ठीक है। जो रेंज दी होती है रेंज को भी फॉलो करना है। मान लो आपका रेंज के सेंटर में आना चाहिए, 0.3 से 5 कुछ तक होती है TSH की रेंज, तो हमने इसके सेंटर में रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि इसमें हमारा गलती भी होती है टेस्ट की, तो सेंटर में रखने में गलती का मार्जिन भी कवर हो गया। और हर महीने कराना है थायराइड TSH FT4 जो फ्री थायराइड, ये हर महीने आपका सही आए तो, गलत आए तो, दवाई चल रही है तो, नहीं चल रही है, गाइडलाइन 2 मंथ्स की है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि रिपोर्टें कई बार गलत आती हैं, अननेसेसरी हम 2 महीने बीत जाते हैं गलत डोज खाते हैं। और जब भी डोज चेंज करनी है तो 2 बार कराना है, जैसे आज भी करा लिया, कल फिर करा लिया, 2 बार, क्योंकि हमारी बॉडी में ही ये कम ज़्यादा बनता है। हमने यहाँ सैंपल ले लिया कि यहाँ ले लिया, लैब की गलती नहीं है, आता ही अलग है। 3 बार, और इसी पर लोगों की योगा किया ठीक हो गया, वो वैसे ही ठीक आ गया, किसी ने उसने प्रचार किया, जिसका नहीं ठीक आया, जिसका नहीं फर्क पड़े, उसने वापस खानी शुरू कर दी, समझ रहे हो? तो कैसे गलत चीज़ फैल गई है, मेरा काम है जो गलत चीज़ फैल गई है उसको, और ये मीडियम मुझे मिला हुआ है, और कोविड में शुरू हो गया तो थोड़ी सी हुड़क निकल गई, वरना बहुत चुपचाप देख रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता था कि गलत चीज़ें होते देख रहे हैं। योगा से आपके जॉइंट अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप वजन लोगे, खाली ऐसे ज़रा बहुत पैर इधर उधर कर लिए, तो यंग एज में वो काफ़ी नहीं है, वो माताओं बहनों के लिए ही काफ़ी है, 50+ के लिए।
यंग लोगों ने तो मतलब विग्रस करना है, पावर योगा करना है बिना प्रेगनेंसी के, और प्रेगनेंसी में जो कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में बताने वाला कोई नहीं था। है नहीं हो जाता, थायराइड भी टेस्ट कराओ, थायराइड शुगर सबसे पहले, कुछ भी हो गया थायराइड शुगर तो करा के ही डॉक्टर के पास जाओ। वैसे भी मेंसेस इरेगुलर हो गए तो ये तो बस, और सारा पूरा हेल्थ चेकअप का फायदा नहीं, अगर ये ठीक है तो बाकी सारे ठीक आएंगे, क्योंकि जो बेसिक है ना, जिसने थायराइड में और खाना, और आपका खाना अगर सही है, ये सही है और खाना ही गलत है तो अलग बात है। तो ये 10-5 बातें बस, घी चीनी नमक कम खाना है, बताया जाओ सिस्टर, सैलेड ज़्यादा खाना है, हवा धूप पीनी ज़्यादा, हवा धूप पानी ज़्यादा ले रहे हो, अगर इनमें से कोई गलती करे तो बीमार रहने ही रहना है। मनी प्लांट को अंदर रख के देख लो, हवा धूप पानी से ना दे के देख लो क्या हाल होता है, वही सबका हो रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं था, मेरी मदर इन लॉ 72 की थी तब, और मैं 26-27 की थी, हम कहीं गए मंदिर में, इसी 8 सेक्टर में, 8 सेक्टर वाले मंदिर पर आके मैं लेट गई की हो गया। अब मेरे को लेट गई तो क्या हो गया, मतलब उनको यही नहीं पता था कि कोई बिना बीमारी के दिन में लेटता है। उनको कुछ नहीं हो गया, ऐसी लेट गई, ऐवें क्यों लेट गई। डबल बेड आ गए ना तो बस बैठना ही भूल खत्म, पहले लेटने की जगह ही नहीं होती थी, सारी चारपाइयाँ टांग देते थे बिस्तर उठा के, रात को बिस्तर था, और पीढ़ी वीढ़ी होती थी उस पर बैठ के, चाहे क्रोशिया करो, कुछ करो, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करो, बुक पढ़ो, गाने सीखो, ऐसे ही बैठे रहो, कुछ नहीं करना, तो एक्सरसाइज करते रहो, मैंने ये वाली बनाई है, बस अपने पैर चलाते रहो 12 घंटे के लिए, मैं कह रही हूँ 24 घंटे नहीं कह रही हूँ, 12 घंटे आराम करो, सो जाओ। प्रेगनेंसी में ज़्यादा सोना होता है क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा है, तो हस्बैंड को 6 घंटे सोना है तो तुम्हें 9 घंटे सोना है, ये हस्बैंड लोगों को पता होना चाहिए कि यही लाड़ करना है कि उसको 9 घंटे सुला दो, उसके बाद उसको वॉक के लिए लेके जाओ, जो वो कहना चाहती है वो सुन लो, बस ये सबसे बड़ी लग्जरी है। वो हर बात हस्बैंड को बताना चाहती है, किस्मत की बात है कि वो आपको बताना चाहती है ना, हर बात हस्बैंड को बताना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहती जाके उससे लड़ाई करो या उसको सॉल्व करो, इवन आजकल की लड़कियों में बहुत दिमाग है, सॉल्व तो वो खुद कर लेंगे, बस वो बताना चाहती है ये कुछ अंदर से ही है। आप कितनी खुश हो गई। उनको समझ नहीं आता अब कि ठीक है, हाँ जी नहीं करेंगे, सुन भी लिया ना तो ये नहीं एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमने सुन लिया। एक मैसेज आया था कि आप कहते 3 बार में सुनते हैं, तो 3 बार, तीसरी बार तो डांट नहीं लगते कि जब बोल दिया 2 बार तो फिर क्यों बोल रही है। मैंने कहा तुम लिख के दिया करो, अब ऐसे तो सबको अपना बनाना ही पड़ता है। वो चिल्ला के ही खुश होता है, जिसको हम प्यार करते हैं ना, हम उस पर चिल्ला के भी खुश होते हैं, ये भी समझना है कि कौन सा गुस्सा गुस्सा है, कौन सा हक है, हक जमा, हक की वजह से सिर्फ तुम्हें डांट रहे हैं, दुनिया में सबसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, और शादी सिर्फ तुमसे की है। हाँ, अब लड़कियां ना सारी चीज़ें अपने आप ले लेंगी, ये तो इनको भी सोचना चाहिए, हम भी हक से ही डांटते हैं, भगवान ने अलग बनाया, मैन आर फ्रॉम मार्स भी बना, ये बुक पढ़ लो, उसके बाद जो सही लगे करो, मैन आर फ्रॉम मार्स, बुद्धि अलग है, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मतलब इस बुक ने मुझे तो बहुत, मेरे सवाल समझ ही नहीं आता था, ऐसा लगता था कि हमें ही ऐसा मिला, फिर जब पता चलता है ना कि बुक पढ़ के सबको ही ऐसे मिले, फिर ठीक लगता है कि भगवान ने ऐसा बनाया है। लड़कियों को जब बच्चा बोल नहीं सकता तो उसकी बात समझने की सेंस दी है, सेंस तो दिए बच्चे के लिए, लेकिन वो समझ सबकी लेती हैं, तो जो हम बिना कहे समझ लेते हैं वो बताने से भी नहीं समझ पाते, एक बार उन्हें फिर से समझाना पड़ता है। और उसी बुक में लिखा है कि मना ऐसे कर देते हैं जैसे आप बच्चे को मना कर देते हो वो गुब्बारा मांगते हैं, तो क्या ज़रूरत है, बिना सोचे समझे आपने कहा ये काम करना है, क्या ज़रूरत है, बस बोल दिया कहे आपने ये फॉर्म अप्लाई करना है, क्या ज़रूरत है, उन्होंने तो लाड़ में ही कहा था कि क्या ज़रूरत है, आपका मन है जॉब करने का, करो ना, पहले आपकी ऑफर तो आए, अप्लाई करने में क्यों रुक जाना, ऑफर आए फिर उसके बाद डिस्कशन करना, करनी है कि नहीं करनी हर चीज पे, वो भी तो तुम्हारे ही बराबर है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा जिसमें समझ है वो समझदारी करे, जिसमें नहीं है मजबूरी है उसकी, अब बताओ तुम में है कि नहीं है।
मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।